हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम फिर से एक स्नैक की रेसिपी बनाएंगे और वो भी कैप्सिकम के साथ। तो यहाँ पे मैंने पांच छोटे छोटे कैप्सिकम लिए हैं जिसे मैंने इसे डाइसेस में काटा है। तीन हरी मिर्ची ली हूँ मैंने, ऐसे मैंने मोटा मोटा काट दिया है। एक छोटे साइज की प्याज और कुछ धनिया पत्ता लिया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस मिलाते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, थोड़ा सा अदरक लहसुन। अदरक लहसुन हमने 1/2 टीस्पून डाला है। 1 टेबलस्पून ऑफ रोस्टेड एंड ग्राउंड धनिया, मेरे पास कम था इसलिए मैंने कम डाला है। 1/2 टीस्पून ऑफ रोस्टेड एंड ग्राउंड क्यूमिन। फिर हम 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर डालेंगे या अपने टेस्ट के हिसाब से। अ पिंच ऑफ हिंग। और अब हम इसमें चाट मसाला मिलाएंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप ओमिट कर सकते हैं। ये मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो फिर आप उसके जगह पे नींबू का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सब के सब ये अच्छे से इसे मिलाइए। मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम धीरे धीरे बेसन डालेंगे। हम उतना ही डालेंगे जितना हमें लगेगा। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून डाला है। अभी हम इसे मिक्स करके देखते हैं कि हमें और कितना बेसन की ज़रूरत है। अब हम इसमें पानी मिलाएंगे एक घोल बनाने के लिए, करीबन 2 टेबलस्पून। और इसे मिक्स करके हम लोग देखेंगे कि हमें कितना बेसन लगेगा। ये हमने बेसन को मिक्स कर लिया है और मेरे ख्याल से हमें और बेसन लगेगा। तो हम इसमें और एक्स्ट्रा पहले 2 टेबलस्पून डालेंगे, फिर और हमें ज़रूरत लगी तो हम इसमें और बेसन और पानी मिला के एक पकौड़ा जैसा बैटर रेडी करेंगे। ये हमारा ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का बैटर बना है, जैसा कोई प्याज के पकौड़े का बैटर बनता है। तो टोटल हमने इसके अंदर 6 टेबलस्पून बेसन का डाला है एंड पानी हमने तकरीबन 1/4 कप डाला है। अगर आपके वेजिटेबल ज़्यादा पानी छोड़ रहे हैं तो आप वाटर को थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अभी हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए रखते हैं और फिर उसके बाद हम इसे फ्राई करते हैं। ये कढ़ाई में हमने तेल गर्म करने के लिए रखा है। हीट आ रही है लेकिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ नहीं आ रही है, हमने उसे मीडियम पे रखा है। और हम चाहते हैं कि जो हमारा पकोड़ा है वो अंदर से भी पके, वरना हाई हीट के ऊपर ये नहीं पकेगा। तो 1 स्पून भर के हम इसमें बैटर डालेंगे। एंड इमीडिएटली हमें चमचा नहीं हिलाना है, हम वेट करेंगे कि ये जो पकोड़े हैं वो नीचे से ब्राउन होने लगेंगे, फिर ही हम इन पकोड़ों को पलटाएंगे। इसी तरह हम सारे के सारे जो पकोड़े हैं उन्हें फ्राई, हमारे जो पकोड़े हैं स्लाइट गोल्डन हो रहे तो हम उसे पलटाते हैं। दूसरा तो ये साइन है कि अपने आप फ्लोट होने लगते हैं, इसका मतलब है कि वो एक साइड से पक चुके हैं और हमें उन्हें पलटा के भी दूसरे साइड भी पकाना है। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, ये अपने आप छूटने लगते हैं। तो दिस इज़ हमारे ये पकोड़े अच्छी तरह से गोल्डन हो चुके हैं। तो अभी हम इन्हें निकालेंगे एक सेपरेट प्लेट में एंड सर्व होने ये रेडी हैं। इसी तरह हम बाकी के भी फ्राई करके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे कैप्सिकम या शिमला मिर्ची के पकोड़े रेडी हैं। हमने इसे खाया भी है एंड यकीन मानिए ये इतने गजब के लग रहे हैं, इतने मज़ेदार लग रहे हैं, इतने चटपटे बने हैं। जो हमने धनिया डाला था कूटा हुआ, उसका टेस्ट, जो हमने चाट मसाला डाला था और जो हमने आमचूर पाउडर डाला था वो सबका टेस्ट एंड हरी मिर्ची जो आ रही है मुँह में, तो ये सबका टेस्ट इतना बढ़िया लग रहा है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग इसे ट्राई करें और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। एंड शेयर माय रेसिपी विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।